हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। दिस इज अनदर एंड यू आर वेलकम टू एडी टेक रूम। तो आज मैं आप लोगों से अपकमिंग वीवो X90 प्रो प्लस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने वाला हूं, जो यस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग होने वाला है। एंड वी आर ऑलरेडी नो दैट द लास्ट वीवो X60 सीरीज वाज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग स्मार्टफोन इन इंडियन मार्केट एंड द ग्लोबल मार्केट ऑल्सो। द एवरी फीचर्स लाइक परफॉर्मेंस, क्वालिटी एंड द मेनली कैमरा इज वन ऑफ द मेन हाईलाइट ऑफ दिस फोन। वीवो X90 प्रो प्लस के अंदर ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो मतलब इस फोन को बहुत ही ज्यादा हटके बनाएगा? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिसेंटली न्यूज निकल गया उसके मुताबिक इस फोन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगा Dimensity 9200 प्रोसेसर। मगर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये जो प्रोसेसर है टोटली बीट करने वाला अपकमिंग स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के साथ। मगर ये बात कितना सच होगा उसके लिए तो थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा। मगर जो टक्कर है ना वो बहुत ही ज्यादा मतलब खतरनाक तरीके का होने वाला है। मगर द मेन प्रॉब्लम इज इंडियन मार्केट पे कौन से प्रोसेसर के साथ आएगा। ठीक है, ये मतलब जब फोन लॉन्च होता है उसके बाद ही पता चलता है, और नहीं तो ऑफिशियल कुछ कंपनी शेयर कर। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं इंडियन मार्केट पे कौन से प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देना, साथ में शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। देन बाद बाकी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर 4GB प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ एक LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा और ऑब्वियसली कर्व डिस्प्ले होगा। साथ में 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी एंड 100 और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड 50 वाट का वायरलेस चार्जिंग। एंड देयर विल बी LPDDR5X RAM एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप। अब बड़े मेन इंपॉर्टेंट चीज मतलब कैमरा। ठीक है, तो इस फोन के अंदर हम लोगों को देखने को मिले 1-inch कैमरा सेंसर। मतलब इसका क्वालिटी जो अभी देखने को मिलता है ना X80 सीरीज के अंदर, उससे और भी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। 1064 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस एंड 5x ऑप्टिकल जूम। और साथ में और भी ज्यादा अपडेट तो होगा ही होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि हम लोग अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि एक सीरीज किस तरीके से अपग्रेड हो रहा है खासकर कैमरा के मामले में। तो यही सब हम लोगों को पता चला है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बोलना, और आगे जगह कुछ भी पता चलता है तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों से शॉर्ट वीडियोस के थ्रू और नहीं तो इस तरीके के लॉन्ग वीडियोस के थ्रू मैं शेयर कर ही दूंगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।